अंडर एस्टिमेट कर रही है मुझे, भूल गई पिछली बार कैसे शादी करवाई थी मैंने। एक मिनट, किसकी शादी की बात कर रही है तू? देख, ये मेरा घर है, कोई शादी का ग्राउंड नहीं है। और किसकी शादी की बात कर रहे हो तुम लोग? शिवा और रवि की। सुनो, मेरा खर्चे करवाने की आइडिया सोचती रहे, साल में 2-3 शादियां करवा देती है, तुझे पता है कि सारा बजट हिल जाता है। पर वैसे भी इन दोनों की 2 बार शादी हो चुकी है, तो 3री बार क्या जरूरत है? क्योंकि अगले फेरे वो आरुषि के साथ लेना चाहती है। तो एक काम करो, उसको पिछली शादी याद करो, नई शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो बॉम्बे, भूल गए पिछली शादी में कितनी भसड़ मच गई थी, पूरे टाइम टेंशन वाला माहौल था। वही सब अगर हम दोबारा से रिक्रिएट करेंगे तो शिवा सब याद आ जाएगा उसको। पहली वाली शादी करते हैं ना, और इस बहाने मेरी और देव की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। क्यों देव, रावी की 3री बार हो रही है तो हम लोगों की 2री बार क्यों नहीं हो सकती है? बहुत मजा आएगा। सुमन कहती चुप रानी, बिल्कुल चुप। नकली शादियों की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो तुम लोग। वो पेड़ा प्रेग्नेंट होकर घर में बैठी हुई है, उसकी और किसकी शादी का पहले सोचो, उसके बाद सब कुछ देखना। जरा कहती माँ तो ठीक ही है ना, ये प्लानिंग प्लॉटिंग वाली शादी के साथ साथ क्रिश और पेड़ा की भी शादी हम करवा देंगे, सब एक बार में हो जाएगा और खर्चा भी बच जाएगा हमारा। क्रिश कहता है नो, एक ही मतलब होता है आगे। ना। अरे नो, सबका एक ही मतलब होता है, आगे बक बक बक। तो भाभी कर रही है ना, मैं तो सामूहिक विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। पहली बार भी जोड़ों की शादी के चक्कर में कांड हो गया था, गलती से फिर दुल्हन बदल गई, तो इस बार तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। भरा कहती ऐसा कुछ नहीं होगा खेश, इसका था पिछली बार भी आपने यही बोला था ना, मैं रिस्क नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा मैं। भरा भी कहती आप मेरी बात अच्छे से सुन रही हो ना धरा दी, अगर मेरी और शिवा की शादी नहीं हुई तो मैं भरे चौराहे पर आपको गोली मार। रावी, धरा के साथ बदतमीजी मत कर, बच्चे अगर अपनी लिमिट क्रॉस ना करें ना तो ही सही होगा। बच्ची नहीं हूँ मैं, रिश्ता बोलती सुनती है बोलने के पहले। आजकल यह कानों से छुट्टी दे दिया तूने अपने कानों को। धरा कहती है गोली मारना है तुझे? हाँ मारना है तो मार ले, अभी इसी वक्त मार दे। और उस लड़की को मेरी बहन को बहन बोल के मुझे गाली मत दे रावी, वो मेरी बहन नहीं है। रावी कहती ऐसा है तो साबित करो ना, बताओ ना। सुमन कहती मेरे को एक गिलास पानी आओ, तो मुझे छाती में बहुत हेडक हो रहा है, जल्दी पानी लाओ। माँ तू एक काम कर, लंबी सांस ले। अरे सांस बचने कहाँ दे रही है तेरी बीवी, फिर रहता फैलाएगी, तू ये सब कैसे करेगी धरा? कहता है कैसे भी करे, कुछ भी करे, मैं सामूहिक विवाह बिल्कुल नहीं करूँगा, दैट्स फाइनल। अरे यार तू क्रिश, धरा के लिए क्रिश, तू भी मेरा बच्चा है, मैं इस बार ध्यान रखूंगी पक्का। क्रिश कहता है मतलब पिछली बार नहीं रखा था आपने, देखो माँ भाभी क्या बोल रही है। धरा कहती है अरे पिछली बार हो गई ना गलती, फिर मिला दिया ना मैं वापस तुम दोनों को, ढूंढा ना श्रोता के खिलाफ सबूत, इस बार गड़बड़ नहीं होगी। क्रिश कहता है मैं सामूहिक विवाह बिल्कुल नहीं करूँगा। सुमन कहते चुप कर, ये बात बाप बनने के पहले क्यों नहीं सोची तूने, शादी एक साथ होगी और तू रहता क्यों? अगर इस बार दुल्हन बदली ना तो तुझे गोम्बे की शादी में किसी और से करवा दूंगी। धरा क्यों बोलती पक्का बिल्कुल, थैंक यू। जैसे कहते अच्छा है, शिवा और रावी के साथ मेरी और देव की भी शादी हो जाएगी, पिछली बार जो फन मिस किया था वो भी पूरा हो जाएगा हम लोगों का। गड़बड़ हुई ना तो बेटी को अच्छा तो तुझे गोली मार दूंगी मैं। फिर वो कान वाला वो था उसमें जाएगा। हां ठीक है, तुम आप खड़े हो गए झुकने से, जो खड़े होने से गोली एक्शन। अरे क्या कर रही है मां, कान निकल जाएगा। रावी को बोलिए शांत हो जाए, रावी बोले वहाँ से मैं शिवा से शादी करूँगी, यहाँ पे ऋषि का मजा आ रहा है, हम दोनों शादी करेंगे, मजा आ रहा है, तू उधर कृष्ण नारा बोल रहा है। इतने में रावी धरा ने बोला चुप माँ, मैं क्या कहती हूँ, हम एक बार ना चल के प्रेरणा से बात उसे बात करनी होगी। हाँ चलो बात करते हैं, एक बार उससे बात करके देखें। चलो अरे चल